मोहन नगर पुलिस ने दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में शंकर नगर के बीजेपी के पूर्व पार्षद नीलेश मड़ामे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। नीलेश मड़ामे पर पटवारी चयन परीक्षा में नौकरी लगवाने के नाम पर 2 लाख रुपए दिए जाने की शिकायत की संभावना जताई गई। आपको बता दें कि 2017 में उनके पार्षदों ने मंत्रालय में अपनी पहुंच बताकर पटवारी परीक्षा में नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख रुपए नगद लिए। वही महिला ने अपने जेवर बेचकर 1,75,000 रुपए नगद दिए और बचे हुए 25,000 रुपए आरोपी पार्षद को प्राथमिक के पति के हफ्ते भर बाद दिए। वही परीक्षा समाप्ति के बाद ना नौकरी मिली ना पैसे वापस मिले। थक हार कर पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की, जिस पर संज्ञान लेते हुए मोहन नगर पुलिस ने जांच की और पार्षद को दोषी पाते हुए उस पर 420 की धारा के तहत धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया और जिसके बाद पार्षद को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो जेल जाने के डर से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और उन्हें जिला अस्पताल में इलाज कराने के लिए भर्ती करा दिया गया। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र में नियुक्ति दिलाने हेतु 2 लाख रुपए मेरे से ले लिए और अब 2 साल हो गया, 2 साल से ज्यादा हो गया। अप्रैल में दी थी मैं 17 में, अब 2 साल हो गया। बोलते हैं मैं जिसको दिया था वो खत्म हो गया है, अब मैं कहाँ से दूँ। वर्तमान में आरोपी को अभी स्वास्थ्य खराब है, कोई इलाज कर रहा है। उन्हें नाला में कल प्रस्तुत किया गया था, स्वास्थ्य खराब होने से अभी जिला हॉस्पिटल शास्त्री अस्पताल में भर्ती है।